कल तक उसका सिर मेरे हाथ में होना चाहिए वरना तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, भल्लाल देव की हत्या करनी होगी। हाँ? मेरे बेटे भल्लाल देव को मार दो। बाहुबली के लिए, देवसेना के लिए, उसके कोख में पल रहे बच्चे के लिए। ठीक है, नहीं आ रहा है कुमार वर्मा, यज्ञ हो रहा है, बाहुबली का मृत्यु कांड शिवगामी के हाथों लिखवाने का महायज्ञ। अब क्या सोच रही हो शिवगामी, राजमाता होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओ। अपने ममता से लाचार मत हो। बाहुबली को मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी, ये राज्य के लिए उचित नहीं है। तो क्या तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली की मृत्यु तय है। कटप्पा। आज्ञा महाराज। बाहुबली को मार दो। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। तुम मारोगे उसे या चाहते हो कि मैं मारूं? नहीं मां, मैं ही मारूंगा उसे। ये पाप आपके हाथों से नहीं हो सकता। कटप्पा को राजद्रोह के अपराध में दंड दिया जा रहा है। तुमने देखा क्या? छोड़ दो, मेरी बात को समझो। चले जाओ यहां से, मुझे छोड़कर चले जाओ। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा।
तुम्हें मारने का आदेश था महाराज का। मुझे क्षमा कर दो बाहु। मां का ध्यान रखना। जय महेश मते। मैंने तुझ पर बेकार ही शक किया कटप्पा, तू मेरा ही कुत्ता है। जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे मां? कटप्पा, गलत किया तुमने शिवकामी। अपने ही बेटे का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देख पाई। मूर्ख माता, तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी वो अपनी पत्नी और आने वाली संतान के बारे में नहीं सोच रहा था। मुसल दो शिवकामी। देखो अपना दूध पिलाया उसे मार। चरणों में आखिरी अब उसके पास जाकर उसके चरण अपने आंसुओं से धोने के सिवा और क्या कर सकती हूँ। माँ, जाइए घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभालूंगा। बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला इसलिए प्रजा भेड़ बकरियों की तरह शोर मचा रही है। आपसे सुनेंगे तभी मानेंगे। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं।